नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस समय की दोस्तों बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। 101 पूर्व नौकर साहू ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को लिखा खुला खत, कहा कोरोना के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराना निंदनीय, मीडिया को भी लिया निशाने पर। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों को आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया का खुल करके विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार जान लेते हैं। पूर्व सीईसी समेत 101 पूर्व नौकर साहू ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपाल को लिखा खत, कोरोना के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराना निंदनीय, गुमराह करने वाला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, देश इस वक्त कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है। लगातार कोविड 19 पॉजिटिव केस बढ़ते ही जा रहे हैं देश भर में। अब इसी बीच 101 पूर्व नौकर साहू ने अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को खत लिखा है। पूर्व नौकर साहू ने कहा है कि कोरोना वायरस के दौरान मुसलमानों के साथ काफी भेदभाव हो रहा है और कोरोना के लिए उनको जिम्मेदार ठहराना काफी निंदनीय है। इन सभी नौकरशाहों ने मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को खुला खत लिखकर मुस्लिमों को प्रताड़ना से बचाने की अपील की है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस के केस बढ़ने के बाद तबलीगी जमात में इकट्ठा हुए लोगों की आलोचना की गई, जबकि इस तरह का धार्मिक जुटाव अकेले इस जगह पर नहीं हुआ था, और भी जगहों पर हुआ था। खत में आगे कहा गया है कि तबलीगी जमात ने दिल्ली सरकार की एडवाइजरी को नजरअंदाज करके कार्यक्रम किया, जो गलत था, लेकिन मीडिया के एक हिस्से ने कवरेज में पूरे मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया, जो कि गैर जिम्मेदाराना है। पत्र में आगे कहा गया है कि मुस्लिम दुकानदारों पर जानबूझकर कोरोना फैलाने का आरोप लगाने के साथ कुछ फेक वीडियो क्लिप्स वायरल की गई, जिसमें उन्हें फल सब्जियों पर थूकते दिखाया गया। इसके जरिए मौजूदा महामारी से उपजे डर को मुस्लिम समुदाय को अलग थलग करने के लिए केंद्रित किया गया। इस पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैसी, जूलियो रिबेरो, वजहत हबीबुल्ला, शिवशंकर मेनन आदि लोग शामिल हैं। पत्र में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से अपील की गई है कि वे सामाजिक पदाधिकारियों को जागरूक रहकर किसी भी समुदाय के सामाजिक बहिष्कार को रोकने के लिए कहें, ताकि जरूरतमंदों को चिकित्सा से लेकर के अस्पताल तक की अहम सेवाएं मुहैया हो पाए। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई, जहां पर देख सकते हैं कि 101 पूर्व नौकर साहू ने मुख्यमंत्रियों को लिखा है खत, कहा कोरोना के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराना निंदनीय है और गलत है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, देश में एक तरफ कोरोना वायरस का संकट फैला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया लगातार नफरत का वायरस फैला रही है। इसी मामले पर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी के सांसद ने अर्णब गोस्वामी को बताया हिंसक विचार वाला पत्रकार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पालघर में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते हुई दो साधुओं की हत्या पर डिबेट के दौरान टीवी एंकर अर्णब गोस्वामी ने हिंदुओं की लिंचिंग पर विपक्ष के चुप रहने पर सवाल उठाया। इस दौरान उनकी भाषा बहुत ही भड़काऊ और उग्र थी। इस डिबेट को देखने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने देशवासियों को इस प्रकार की पत्रकारिता से बचने की सलाह दी है। आप लोगों को दोस्तों आगे बता दें, उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि ऐसे ही हिंसक विचार वाले पत्रकारों ने रवाना में एक बड़े नरसंहार को जन्म दिया था, लाखों लोग मारे गए थे। अगर हम नफरत की पत्रकारिता के खिलाफ नहीं जागे तो भारत को बर्बादी से बचाना बहुत ही मुश्किल है। इन आतंकी सोच वालों को बताना होगा कि ये गांधी का देश है, यहां नफरत के लिए कोई भी जगह नहीं है। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अर्णब गोस्वामी के ऊपर, और अर्णब गोस्वामी को बताया है हिंसक विचार वाला पत्रकार। दोस्तों क्या आप लोग आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की तमाम बातों से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बताइएगा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मंदी तंगी पर मरहम लगाने के बजाय जले पर नमक छिड़क रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, कांग्रेस का जोरदार हमला। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। कांग्रेस ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं करने के सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों
और कर्मचारियों के भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा बुलेट ट्रेन परियोजनाओं और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सुझाव को मानते हुए केंद्र सरकार अपने फिजूल खर्चे पर रोक लगाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए बचा सकती है, जिसका इस्तेमाल संकट के इस समय में लोगों की मदद के लिए भी हो सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने आगे कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के संकट से पैदा हुई आर्थिक मंदी और आय की तंगी पर मरहम लगाने के बजाय मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कने में लगी हुई है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों को आगे बताते चले, राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट में लिखा है कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए काटना सरकार का असंवेदनशील तथा अमानवीय निर्णय है। ये यहां पर राहुल गांधी ने भी जोरदार हमला बोला है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, एजाज खान को मिली बेल विवादित बयान देने की वजह से हुए थे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान को बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। आपको याद दिला दें कि एजाज खान को 18 अप्रैल को मानहानि, अभद्र भाषा और प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद एजाज खान को जमानत दे दी गई है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संकट के बीच रमजान में रोजा और नमाज को लेकर के राज्य सरकारों ने जारी की है एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच इस बार मुसलमानों का पवित्र रमजान का महीना शुरू हो गया है। देश भर में मुस्लिम समुदाय पहला रोजा शनिवार को रखेंगे। कोरोना संकट के बीच मुस्लिम समुदाय को रोजा रखना और अपने अपने घरों से ही नमाज पढ़नी होगी। देश के अल्पसंख्यक मंत्रालय से लेकर तमाम राज्य सरकारों ने रमजान को लेकर के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना की वजह से एहतियात बरतें और घर से ही नमाज और रोजा करें। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने यूपी सरकार से 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश सरकार से लॉकडाउन की वजह से अपनी रोजी रोटी गंवा बैठे लोगों की सुविधा के लिए व्यवसायिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का 3 महीने का बिजली का बिल माफ करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में कहा है कि लॉकडाउन के कारण आम लोगों की आमदनी का जरिया पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे मजदूर, किसान, व्यापारी और आम जनता पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उन्होंने राज्य सरकार से आगे मांग की है कि राज्य के सभी व्यवसायिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के 3 महीने का बिजली का बिल माफ किया जाए। साथ ही उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर काम करने वाले मजदूरों को अन्य प्रदेशों से वापस लाने की व्यवस्था करवाई जाए। ये यहां पर मांग की है अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो उन्होंने पत्र लिखा उसमें। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रमजान पर असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम समुदाय से खास अपील, मस्जिदों में नमाज अदा ना करें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में लॉकडाउन लागू है। इस बीच मुसलमानों के खास त्योहार और पाक महीने रमजान की शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तेलंगाना में हैदराबाद के सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वह अपने घरों में ही रहकर नमाज अदा करें। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, आप जहरीले बयान देकर सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं, इतनी जल्दी FIR कैसे हो जाएगी रद्द, सुप्रीम कोर्ट में आड़प के खिलाफ बोले हैं कपिल सिब्बल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की। अर्णब पर आरोप है कि उन्होंने अपने टीवी शो पर पालघर मॉब लिंचिंग केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पर कथित तौर पर छवि बिगाड़ने वाली टिप्पणी की। इसी को लेकर के उनके खिलाफ 5 राज्यों में मामले दर्ज हो चुके हैं। अर्णब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ
दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। अर्णब के बचाव में उतरे वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोर्ट को उनके खिलाफ बलपूर्वक उठाए कदमों से सुरक्षा मिलनी चाहिए। रोहतगी ने बेंच को बताया कि अर्णब ने अपने शो में पालघर लिंचिंग का मुद्दा उठाया था, वह सिर्फ इस मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्णब के खिलाफ मामले सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दर्ज करवाए हैं और यह सिर्फ कांग्रेस प्रमुख की छवि खराब करने से जुड़े आरोप हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चले, इस पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने शो का जिक्र करते हुए पूछा कि क्या यही बोलने की आजादी है। सिब्बल ने आगे कहा कि इस तरह के बयान देकर आप सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो आप इसे रद्द क्यों करवाना चाहते हैं, जांच होने दीजिए, इसमें परेशानी क्या है। ये यहां पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सामने बात रखी जजों के, और यहां पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब को लिया है आड़े हाथों। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अर्णब चाहे तो इन मामलों में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना ही पड़ेगा। कोर्ट ने सभी एफआईआर पर स्टे लगाया है, लेकिन नागपुर में दर्ज एक एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।